whole future is bright. हम लोग किस तरीके के दोस्त हैं? हमारी इतनी अच्छी फ्रेंड अपनी लाइफ का इतना गलत डिसीजन लेने जा रही है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने रीत के दिल में तुम्हारे लिए जगह बनाना शुरू कर दी। अबे ये तो रोशी मैम भी लाइन मार रहे। मैं चाहती हूँ कि आप और सारे प्रोफेसर मिल के एग्जाम के टाइम टेबल को सेट कर दें, जो बोर्ड एग्जाम के बाद होने वाला है। उर्वशी मैम पे लाइन मारी जा रही है। हाँ सदानंद, सब नजर आ रहा है, सब चक्कर क्या है? देखो भाई, हमें तुम्हारे चक्कर से कोई ऐतराज नहीं, बस तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हमारे अंकित का नाम तुम्हें नोटिस बोर्ड पे थोड़े से समय के लिए लगाना पड़ेगा। मतलब रॉन्ग रॉन्ग मैटर, अरे गलत बात। सदानंद से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हो तुम? देखो भाई सदानंद, आपस में मिलजुल कर अगर काम कर लें तो बेहतर होगा। तुम सच बोल रहे हो? मेरा काम कर दोगे ना? हम तुम्हें फंसाएंगे नहीं, यकीन मानो हमारा। पर हम क्यों फंसाएंगे? तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। That's it. समझो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही जाएगा। मतलब उर्वशी मैम मेरी मेरी गर्लफ्रेंड, ठीक है, पर कोई शैतानी मत करना, ठीक है? कितने और एक कारनामा कर दिया। पीयूष अगेन? अरे अरे सुन तो लो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा कहो। कल अंकित की क्लास में फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था, तब एक हार्ड फिजिक्स का क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, उसे पूरी क्लास के बीच अंकित ने सॉल्व कर दिया। Hey, देखो हंसराज मुरारजी कॉलेज प्राउडली अनाउंसेस स्टूडेंट ऑफ द ईयर अंकित वोरा। इट मींस ही इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। Yes, ma'am. क्या कर रहे हो? ओ, साफ सफाई। ओ, सफाई तुम्हारा काम नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो। दिन ब दिन पागल होते जा रहे हो। प्रोफेसर उर्वशी ध्यान रखिएगा इस पे, मुझे लगता है इसे कॉलेज से निकालना ही होगा। कॉलेज से निकाल देंगे लेकिन उर्वशी मैम मुझ पर ध्यान रखेंगी, ये अच्छा है। वाह भाई वाह, क्या बात है,
क्या टाइम टेबल बनाया आप लोगों ने, बहुत अच्छा। अब इस टाइम टेबल को, आई मीन बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल को नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाए। जी सर, मैं अभी सदानंद को बोल के इसे नोटिस बोर्ड पे लगवा देता हूँ। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी रह गया। कैसा काम सर? हम सभी लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स तैयार करने हैं। वो तो इजीली हो जाएंगे सर। मिस उर्वशी, जो काम आपको बहुत आसान लग रहा है वो आसान काम नहीं है। वो काम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मैं कुछ समझी नहीं सर। बड़ी भोली भाली हैं आप, दीदी से बात भी नहीं समझते। भाई प्रिंसिपल साहिबा का ये इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन पेपर्स उनके इंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा कठिन बनाया जाए। टफ, इनफैक्ट टफेस्ट। ये क्या बात हुई सर, दिस इज नॉट फेयर। हमें एवरेज स्टूडेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं प्रिंसिपल मैम से बात करूंगी। प्रोफेसर उर्वशी, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो कर रही हूँ अपने कॉलेज की भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और वैसे भी प्रोफेसर उर्वशी, मुझे एवरेज स्टूडेंट्स की नहीं, इस कॉलेज की रेपुटेशन का ख्याल है। बट मैम। प्रोफेसर उर्वशी, मुझे आपकी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, देन प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। प्रोफेसर बख्शी जी, क्वेश्चन पेपर्स तैयार करते वक्त प्रोफेसर उर्वशी को बिल्कुल भी तकलीफ मत दीजिएगा। As you wish, ma'am. अब आज आपका मूड कुछ खराब सा लग रहा है, क्या हुआ? हाँ अर्जुन सर, आपको पता है ना प्रिंसिपल मैम ने क्या बोला है कि पेपर बहुत टफ बनाए जाएं। और अगर इतने टफ पेपर बनेंगे तो एवरेज स्टूडेंट्स का क्या होगा? अब वो बात तो ठीक है मैम, लेकिन क्या है ना कि एक बराबर टफ होंगे तो सबके लिए टफ होंगे ना, वो तो एवरीबॉडी हैज टू वर्क हार्ड। वो सब ठीक है अर्जुन सर, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ प्लान हो रहा है। और मेरा इंटेंशन किस हो रहा है आप समझ रहे हैं ना? नहीं। वो लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप जाके उनसे बात करिए और उनको बोलिए कि उनको बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जिसमें चाहे नो कि वो लोग इतने ग्रोन अप तो हैं कि अगर उनको हम लोग प्रॉपर गाइडेंस दें तो वो लोग अपना भला और बुरा समझ सकते हैं। चलिए जैसा आप बोलती हैं मैं जाके एक बार बात करता हूँ। समझ रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। अरे मैं ये, और हर्ष कहाँ रह गया यार? पता नहीं यार, ये वो अब तक तो मिल जाने चाहिए। बोल। हेलो, आ गए। आ गए। ये बात भी सही है। गाइस काफी भीड़ लगी है यहाँ पे। भीड़ किस चीज की है यहाँ पे? लो बज गए घंटी, एग्जाम्स की डेट्स आ रही है। और पहले तो मेरी घंटी बजेगी, मेरे बोर्ड के एग्जाम्स तुम लोगों के एग्जाम से पहले होने वाले हैं। ओहो हर्ष, संभाल कर, क्योंकि तुम्हें तो एग्जाम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से काफी डर लगता है ना, कहीं तुम इस बार एग्जाम से भी मुंह ना मोड़ लो। सोचने से कुछ नहीं होगा गाइस, मेहनत करनी होगी आप लोगों को, बहुत मेहनत। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो मैं कह रहा था कि आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज आई एम सॉरी टू से कि इस कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स मिलके बहुत टफ पेपर तैयार करने वाले हैं। तो आप सब लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें,
And don't waste even a single minute of yours. And that's for each one of you. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for informing us. It's okay. और वैसे भी ये भी मेरा ही स्वार्थ है क्योंकि अमान भले इस साल बॉक्सिंग ना खेले मगर अगले साल तो ये बॉक्सिंग खेलेगा ही खेलेगा और अगर कहीं गलती से फेल हो गया तो उसमें सबसे ज्यादा लॉस तो मेरा ही होगा ना इम्पॉसिबल सर मैं आज के बाद कभी बॉक्सिंग नहीं खेलूंगा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनने में वक्त नहीं लगता है अमान वेरी ट्रू सर नो सर कंप्लीटली फॉल्स ये सबके बस की बात नहीं होती है सर क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी भी पॉसिबल को इम्पॉसिबल ही रखना चाहते हैं टेक केयर गाइस ऑल द बेस्ट ये लड़का भी ना कोई भी काम ढंग का करेगा ही नहीं अब मुझे यहां बुलाकर खुद न जाने कहां चला गया इडियट सही कह रही हो तुम मुझे इडियट हूं मैं इडियट मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि बेवजह तुम बात बात पर मुझे ताने क्यों मारती रहती हो क्या रे हर्ष इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया ये बात तो तुम सबके सामने भी पूछ सकते थे ना वही तो बात है वही तो पूछना चाहता हूँ मैं कि पहले तो तुमने और दी ने प्यार किया ये हम सबसे छुपाया ये बात समझ में आती है लेकिन अब यही प्यार तुम एक दूसरे से छुपा रहे हो ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती ये बात तुम्हें धारा से पता चली है ना नहीं तुम दोनों से याद है पहली बार जब तुमने दी को प्रपोज किया था धारा आई लव यू आई लव यू और उसी पल अपनी अपनी फैमिलीज के लिए ब्रेक ऑफ भी कर दिया क्या तुम मेरे साथ रहोगे निभाओगे मेरा साथ धारा इस जिंदगी में क्या मैं अगले 100 जन्म तक तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं मगर मैं मजबूर हूं मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना वाओ क्या कहूं मैं इस प्यार को व्हाट अ यूनिक लव स्टोरी या व्हाट अ सैक्रिफाइस या फिर निकिता अगर तुमने इतना सब कुछ सुना है तो फिर तुमने हमारे अलग होने की वजह भी सुनी होगी और अगर वजह सुनने के बाद भी तुम्हें ये शो ऑफ लगता है तो ठीक है शो ऑफ ही सर हर्ष दी की शादी जिससे हो रही है वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है तुम कुछ भी करके ये शादी रोक दो ना हर्ष क्या तुम शादी के बाद अपनी एडुकेशन पूरी नहीं कर सकते निकिता यहाँ एग्जाम्स शुरू होते ही हमारे पेरेंट्स हमारा टीवी देखना बंद कर देते हैं और तुम मुझे एजुकेशन डेज में शादी करने के लिए कह रही हो निकिता जिस तरह से एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती उसी तरह से दो लोगों की आंखें एक ही सपना नहीं देख सकती और मैंने अपना सपना चुन लिया है हर्ष मंजिल अपनी अपनी है मंजिल अपनी अपनी राजेश तुम ये मत समझो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है अरे मुझे बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश आती है अच्छा रैम्बो अच्छा तो तुम्हें इंग्लिश आती है तो चलो मैं तुमसे हमारे देश के कुछ स्टेट के नाम इंग्लिश में लूंगा तुम उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ पूछो पूछो तो छुप जाओ इसमें छुपने की क्या जरूरत है छुपोगे नहीं तो खेलोगे कैसे राजेश हम लोग कुछ छुपा छुपी नहीं खेल रहे ओ गॉड रे अच्छा ठीक है रैम्बो तुम्हारा पहला क्वेश्चन तुम्हारा पहला क्वेश्चन है ग्रेट स्टेट ग्रेट स्टेट ग्रेट
महाराष्ट्र महाराष्ट्र ट्रेम्बो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है मिस्टर सिटी का क्या मतलब है मिस्टर सिटी हो तुम्हें इसका मतलब भी नहीं पता शेम पपी मिस्टर सिटी का मतलब है श्रीनगर मिस्टर सिटी का मतलब है श्रीनगर हाँ तो चलो अब जो पूछूंगा उसका मतलब बताओ पूछो अब तो इसका जवाब मैं दूंगा ही पूछो अच्छा तो ये बताइए मैक जूस का ट्रांसलेट करने पे हमारे किसी स्टेट का नाम बनता है मैक जूस अरे मैक जूस यानी बनारस बनारस पापा दिस इज चीटिंग चीटिंग नहीं बेटा राजेश रैम्बो भी तो अपना ही है रैम्बो अपना है सही है थैंक यू वेरी मच रैम्बो तुमने हमारे बेटे राजेश को इतनी देर तक संभाले रखा और इस बीच में अपना बाहर का काम भी पूरा करके आ गया काम किसी से पैसे मांग के लाया हूं ना रैम्बो मैं अपने बेटे राजेश के लिए उधार पैसे लेकर आ गया और बस मेरा एक ही सपना है कि हर हालत में मेरा बेटा ठीक हो जाए इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े रैम्बो अमन अमन मस्ती करो क्या बात है मुझसे मिले बगैर ये चुप चुप के कहाँ जा रहे हो रैम्बो आज से समझ लो कि हमारी बोलती ही बंद हो गई है कैसे क्योंकि हम सबके फाइनल एग्जाम्स की डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं अरे बेटा हर्ष तुम्हारा तो बोर्ड एग्जाम होगा ना जी अंकल ऑल द बेस्ट हर्ष थैंक यू राजेश भैया ऑल द बेस्ट टू यू ऑल थैंक यू भैया चलो बेटा राजेश चलते अगर आज जो अपने अपने बने रहते तो मेरी दी भी अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही होती क्या फायदा निकिता छोड़ना इन सब विशेष को अब इन सब विशेष का कोई मतलब नहीं हाँ ऐसे भी इन विशेष से हमारी पढ़ाई थोड़ी ना इजी हो जाएगी ये एग्जाम नहीं इंडिकेशन है अपने लिए कि अपना प्लस में चल रहा टेंशन अब मल्टीपल की रफ्तार से बढ़ने वाला है चलो एक एक करके टेंशन की ओर अपना एक एक कदम बढ़ाते दी आज आपको पता है मेरे पास दो न्यूज है लेकिन दोनों ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज है दी हाउ मीन दी मैं आपको ये बता रही हूं कि मेरे पास दो न्यूज है और वो भी दोनों एकदम डिसअपॉइंटिंग न्यूज है और आप हो कि आपको इस बात की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है कौन से डिसअपॉइंटेड न्यूज है बताओ फर्स्ट न्यूज ये है कि मेरी फाइनल एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर हो चुकी है एंड यू नो व्हाट आज मैंने हर्ष से बात की एंड इमेजिन आपको वो अपनी लाइफ में सेकेंडरी मानता है उसका फर्स्ट और लास्ट ड्रीम सिर्फ और सिर्फ उसके पापा का सपना पूरा करना है वो पायलट बनेगा और उनके लिए घर लेगा आई नो मैं जानती हूँ फिर भी आपने उसे अपनी लाइफ में जगह दी लव इज ब्लाइंड निकिता वाओ इतना ब्लाइंड कि तुम्हारी लाइफ अंधेरे में जा रही है और वो भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही जो काम देख कर सोच समझ कर किया
उनमें तो हार गई ना मैं, और अगर अब लाइफ से हारना ही है तो दिल को क्यों तकलीफ दूं? दी आप बात को समझ नहीं रही हो। क्यों, क्या समझ में नहीं आ रहा? अरे मैं पूछ रही हूँ कि किसके क्या समझ में नहीं आ रहा। माँ वो दिए ना मुझे समझा रही थी। तुम्हें समझा रही थी मगर क्या समझा रही थी? फाइनल एग्जाम है ना, उसकी डेट्स आज ही डिक्लेयर हुई है और टाइम टेबल भी मिल गया। हे भगवान, टाइम टेबल मिल गया? अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, समझे तुम? हाँ माँ। आई मैं भी इसे यही समझा रही थी, तो देखो ना ये मुझे ही इमिटेट कर रही है। और माँ आपने यहाँ आकर इस एडुकेशनल लेक्चर को सस्पेंस फिल्म बना दिया। क्या हुआ आई? आज तुम कॉलेज जाते तो तुम भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही होती। दमन, दमन पुत्र, ओ दमन, ओ दमन पुत्र, मैं कब से तेरे को वाजे दे रहा हूं, तू कमाल करता है, कान में तूतड़ी सी लगा के क्या सुनता रहता है तू अनाप्षना? हैं? ओ तेरे को पता आज मैं कितना खुश हूं? बता पला मैं क्यों खुश हूं? ओए, तेरे फाइनल एग्जाम की डेट फाइनल हो गई है, पता है तुझे? अभी मुझको नीचे जगदीश वोरा भाई साहब मिले थे, उन्होंने बताया